दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मेरा वीडियो है वो है एलोवेरा जेल के बारे में। एलोवेरा हम घर में भी लगाते हैं, इसके पौधे होते हैं और एलोवेरा से हमें बहुत ही फ़ायदे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। एलोवेरा जेल तो सब घर में अवेलेबल होता है, पर इसे यूज़ करना जो है वो बहुत ही कम लोगों को पता होगा। तो आज मैं इसके बहुत सारे टिप्स बताऊँगी, लगभग 4-5-6 टिप्स बताऊँगी आपको, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो एलोवेरा जेल जो है हमारे बालों के लिए और हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए भी और हमारे स्किन के लिए भी। अगर इसे सही तरीके से हमें यूज़ करना आए तो हम इसे सही तरीके से कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले बात करें बालों की, तो एलोवेरा जेल को जो है मैं तो पतंजलि का यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो किसी भी, मतलब कहीं से भी ले सकते हैं, मुझे ज़्यादा बेटर ये लगता है। तो एलोवेरा जेल को हम लोग बालों के लिए क्या करेंगे, हम इसे हेयर मास्क की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका जो डैंड्रफ और बालों का रूखापन जो है वो चला जाएगा। तो एलोवेरा जेल को हम थोड़ा सा अपने हाथों में लेंगे, मतलब 1-2 चम्मच लेंगे, उसके बाद उसमें रोज़ वाटर मिलाएंगे। रोज़ वाटर मिलाकर अपने स्कैल्प पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आधे घंटे तक या 15 मिनट तक, कम समय हो तो 15 मिनट भी, अगर ज़्यादा टाइम हो तो आधा घंटा, आधे घंटे तक इसे छोड़ दें अप्लाई करके अपने स्कैल्प पे। उसके बाद है कि इसे हेयर वॉश करने जब जाएं तो पानी से इसे हेयर वॉश कर लें। अगर आपको शैम्पू करना है तो कर सकती हैं, अदरवाइज आप छोड़ भी सकती हैं। तो आप देखेंगे कि आपके जो सारे डैंड्रफ है वो चले गए और आपके बालों का। अब बात करेंगे हम स्किन के बारे में। तो एलोवेरा जेल को हम बहुत, मतलब तरीके से यूज़ कर सकते हैं। रूखे स्किन के लिए सबसे पहले बताऊं कि एलोवेरा जेल को थोड़ा सा 1 चम्मच ले, उसमें रोज़ वाटर डाल लें। रोज़ वाटर डालने के बाद आप जो है मिक्स कर लें दोनों को, उसके बाद अपने चेहरे पे अप्लाई करें। 10 मिनट इसे छोड़ दें, उसके बाद जब आप वॉश करेंगे अपने चेहरे को, आपका चेहरा इतना हेल्दी, इतना खिला खिला लगेगा, ये आप खुद यूज़ करके देख सकते हैं। उसके बाद जिन्हें भी पिम्पल्स हैं और पिम्पल्स के दाग हैं, उसके लिए क्या करें, एलोवेरा जेल को 1 चम्मच लें, 1 चम्मच नहीं, सॉरी आधे चम्मच, उसमें आधे चम्मच ही पेस्ट, टूथपेस्ट, ब्रश करने वाला टूथपेस्ट मिला दें। उसके बाद टूथपेस्ट मिला के जहाँ जहाँ दाग है या पिंपल्स है अप्लाई करें। अप्लाई करने के 15 मिनट तक छोड़ दें, उसके बाद आप देख सकते हैं, मतलब ये एक बार में तो जाएगा नहीं, लेकिन बहुत ही कम हो जाएगा। उसके बाद है कि आपको ये 2-3 बार करना है हफ्ते में कम से कम, और फर्क फिर आपके सामने नजर आएगा। एक और टिप्स है, अगर जिसे भी मेकअप करना पसंद है, मेकअप करना सबको बहुत पसंद है, लेकिन मेकअप करने के बाद त्वचा जो है वो थोड़ी थक जाती है कि नहीं, तो त्वचा ना थके इसके लिए हमें क्या करना है, मेकअप करने से पहले, गाइस मेकअप लगाने से पहले आप एलोवेरा जेल को रोज़ वाटर के साथ अपने चेहरे पे अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के बाद आप मेकअप करें, आप देखेंगे कि 4-5 घंटे तक आपका जो मेकअप है वो ना हिलता है ना डोलता है, वो जैसे का वैसा ही रहेगा। अगर आपको इन सब बातों से भी, मतलब प्रॉब्लम हो रहा है कि अरे ये सब करने में तो बड़ा मेहनत है, तो मैं सिंपली एक बात बताती हूँ आपको, आप एलोवेरा जेल लें। सबके घरों में मिलता है, लेकिन यूज़ करने का सही तरीका जो है हम लोगों को पता नहीं है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको ये सब अच्छा ना लगा हो तो एक सिंपल सा तरीका ये है कि जो रोज़ रात को रोज़ वाटर के साथ अप्लाई करें, डेली अप्लाई करें, अप्लाई करके सो जाएं, सुबह उठे अपने चेहरे को पानी से धो लें, उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है। ये हो गया। और हेयर के लिए आपके हेयर ग्रो नहीं कर रहे हैं तो ये ग्रो करने में बहुत अच्छा है और नरिश करता है, बालों को शाइन भी लाता है और डैंड्रफ की प्रॉब्लम तो ख़त्म हो जाती है। तो हेयर के लिए है कि आप शैम्पू करने से आधे घंटे पहले इसको हेयर मास्क की तरह अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के बाद आप शैम्पू कर लें सप्ताह में 1 बार या 2 बार, और रात को रोज़ सोने से पहले इतना ट्राई करके देखें बस। और एक बात है कि बहुत से लोग एलोवेरा की पत्तियाँ अपने घर में लगाते हैं और बहुत ही लोग उसे पीते भी हैं और खाते भी हैं। कैसे खाते हैं, उसकी पत्तियाँ तोड़ते हैं, उसके अंदर का जो भी एलोवेरा जेल निकलता है उसे ग्लास में या चम्मच में या कुछ भी कटोरी में निकालते हैं, और निकालने के बाद उसे डेली 1 चम्मच तकरीबन खाते हैं। तो बहुत से लोगों का कहना है कि एलोवेरा जो है पेट को ठंडा रखता है, और हमारा पेट ठंडा रहेगा तो हमारा स्किन ग्लो करेगा और हमारे बाल जो हमेशा काले रहेंगे, चमकदार रहेंगे। तो आप
ये भी ट्राई कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।